हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ये देखिए, ये है राजनाथ सिंह जी। क्या है, राजनाथ अनवेल्स क्रेस्ट ऑफ नेवी एडवांस वॉरशिप इम्फाल। तो इन्होंने इसका ये अनक्रेस्ट किया है, अनवेल किया है, इसको हटाया है, दिखा रहे हैं। ये पर्दा हटा दिया, देखो ये इम्फाल है। चलिए देखते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ट्यूजडे अनवेल द क्रेस्ट ऑफ नेवीज स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल, विच इज फिटेड विथ ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल अमंग अदर इंडिजीनियस वेपन्स। द इंडियन नेवी इज इमेंसली प्राउड ऑफ नेमिंग इट्स लेटेस्ट एंड टेक्नोलॉजिकल मोस्ट एडवांस्ड वॉरशिप द हिस्टोरिक आफ्टर द हिस्टोरिक सिटी ऑफ इम्फाल। अ स्टेटमेंट इज इश्यूड बाय द डिफेंस मिनिस्टर सेड हाईलाइटिंग द मेरीटाइम ट्रेडिशन एंड नेवल कस्टम ऑफ नेमिंग नेवी शिप्स ऑन प्रोमिनेंट सिटीज माउंटेन रेंजेस रिवर्स पॉन्ड्स एंड आइलैंड्स। तो ये हमारा कस्टम है कि जो भी सिटीज हो गए, माउंटेन रेंजेस हो गए, रिवर्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, आइलैंड्स हो गए, उनके ऊपर हम नेवी शिप्स का अपना नाम रखते हैं। द शिप विच इज़ द थर्ड अमंग द फोर प्रोजेक्ट्स 15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वॉज डिलीवर्ड टू नेवी लास्ट मंथ बाय मजागांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड MDL। डिफेंस मिनिस्ट्री स्टेटमेंट सेड द अनवेलिंग ऑफ इम्फाल क्रेस्ट एडोन विद द कंगला पैलेस एंड कंगला सा। तो ये कंगला सा कंगला पैलेस है, इज अ ट्रिब्यूट टू द सेक्रीफाइस मेड बाय द पीपल ऑफ मणिपुर टूवर्ड्स इंडियाज इंडिपेंडेंस सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी। तो मणिपुर का कैपिटल आपका इम्फाल है, तो वहाँ के लोगों को ये कंट्रीब्यूट करते हुए उसका नाम रखा गया है। कंगला सा इज ऑल्सो द स्टेट एम्बलेम ऑफ द मणिपुर। तो कंगला सा स्टेट एम्बलेम है आपका मणिपुर का। द क्रेस्ट डिजाइन डिपिक्ट्स द कंगला पैलेस ऑन द लेफ्ट एंड कंगला सा ऑन द राइट। तो इसमें आप देखिए, कंगला पैलेस ऑन द लेफ्ट एंड कंगला सा ऑन द राइट। द कंगला पैलेस इज एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ मणिपुर एंड वॉज द ट्रेडिशनल सीट ऑफ पास्ट किंगडम। द स्टेटमेंट सेड एडिंग दैट द ड्रैगन्स हेड एंड द लायंस बॉडी द कंगला सा इज अ मिथिकल बींग फ्रॉम मणिपुर हिस्ट्री एंड इज अ सिम्बॉलिक एज अ प्रोटेक्टर ऑफ इट्स पीपल। इम्फाल इज शेड्यूल्ड टू बी कमीशन टू द नेवी नेक्स्ट मंथ, मेकिंग इट द फर्स्ट इंडिजीनियस डिस्ट्रॉयर टू हैव टेकन द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम टू कंस्ट्रक्ट एंड कम्प्लीटिंग इट्स सी ट्रायल। द फर्स्ट शिप अंडर P-15B विशाखापट्टनम वॉज कमीशन ऑन 21 नवंबर 2021 एंड द सेकेंड मोरमुगाव ऑन द 18 दिसंबर 2022। द फोर्थ शिप सूरत वॉज लॉन्च ऑन 17 मई 2022 एंड इज एट एन एडवांस स्टेज ऑफ आउटफिटिंग। द शिप हैज़ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 7,400 टन्स ऑफ ओवरऑल लेंथ of 164 meters and is equipped with the state-of-art weapon and sensors including surface-to-air missile, anti-ship missile and the torpedoes। तो चलिए देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड। देखिए, सबसे पहले हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका इम्फाल, ठीक है, मणिपुर का कैपिटल है। अब जैसे ये इंडिया हम लोग बना लिए, ठीक है, ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट एरिया हो गया, ऊपर में अरुणाचल आ गया, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पे आपका मेघालय, ये आपका असम। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और नीचे में मेघालय, तो मणिपुर, अरे और मिजोरम, मेघालय असम के नीचे में, बीच में उसके त्रिपुरा। तो ये रहा ऊपर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे नागालैंड, तो ये मणिपुर यहाँ की बात हो रही है। तो ये तो हमने देख लिया, ठीक है, ये एडवांस वॉरशिप है, ठीक
ठीक है, ये भी देख लिया हमने। और आप देखिए इसमें ब्रह्मोस है पहले से, ठीक है, इंडिजीनियस आपके वेपन्स है, और इसको बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमने इसका नाम इम्फाल सिटी पे रखा हुआ है। नेमिंग ऑफ इतना अपना ये ट्रेडिशन है कि ऐसे ऐसे सिटीज़ पे, माउंटेन रेंजेस पे, रिवर पे, पॉन्ड्स पे, आइलैंड्स पे हम लोग अपने शिप्स का नाम रखते हैं। ठीक है, ये 15B स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल का पहला शिप है आपका, MDL मजागांव डॉक यार्ड शिप बिल्डर लिमिटेड ने MDL से, आपका MDL से आया है। और फोर्थ आप देखिए ये 15B का प्रोजेक्ट का पहला आपका आया है। फिफ्थ आप देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट आ जा रहा है, कंगला कंगला पैलेस और कंगला सा, ठीक है, ये उसके क्रेस्ट, मतलब ये जो उसका एम्बलेम है ये रहा आपका, इसकी बात हो रही है। यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ कंगला पैलेस है और कंगला सा है, ठीक है, टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस। ये आपके कंगला, वहाँ पे मणिपुर के लोगों का बहुत बड़ा हाथ था इंडिपेंडेंस में। कंगला सा आपके स्टेट एम्बलेम भी है, कंगला सा क्रेस्ट के डिज़ाइन के कंगला पैलेस जो है लेफ्ट में है, कंगला सा जो है राइट में है। ये क्रेस्ट का डिज़ाइन हो गया, इसके लेफ्ट में यहाँ पे लेफ्ट में आप देखिए कंगला पैलेस होगा और यहाँ पे कंगला सा होगा। कंगला सा आप देखिए, कंगला पैलेस जो है हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये साइट है आपकी, और ये जो है आपके मेडिकल फिगर्स हैं आपके कंगला सा, जो ड्रैगन है और जिनके ऊपर ड्रैगन है, इनके ऊपर लायन का हेड है, और बोला जाता है ये मणिपुर के लोगों का प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर ऑफ पीपल। तो आप देखिए ये शिप भी अपना यही काम कर रही है, इसलिए इसके एम्बलम में इसके जो आपका क्रेस्ट है, इसीलिए इसके क्रेस्ट में इन लोगों को रखा गया है। और आप नेक्स्ट मंथ से हो जाएगा, ये बहुत जल्दी आया है, सबसे फास्टेस्ट बना हुआ है, फर्स्ट इंडिजीनियस P15B का है, ये P15B का आपका प्रोजेक्ट से आया है। डिस्प्लेसमेंट इतने टन्स का है, ओवरऑल लेंथ 164 मीटर है, स्टेट ऑफ आर्ट वेपन्स के सेंसर्स, ये सब एयर मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल हैं, और टॉर्पेडोज, ये सारी चीज़ें इसमें लगी हुई है, इन सारी चीज़ों के साथ इक्विप्ड आता है। तो इसमें बस इतना ही था, कंगला सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, कंगला पैलेस इम्पोर्टेंट हो जाता है, इम्फाल इम्पोर्टेंट हो जाता है, एडवांस वॉरशिप, MDL, P15, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, और ये दोनों चीज़ें आपके क्रेस्ट में है। चलिए इतना ही था, सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।